धर्मेंद्र को नहीं पसंद था हेमा का दूसरे एक्टर के साथ फोटो खिंचवाना। होती थी जलन, लड़ाई के साथ शुरू होता था दिन। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सबसे फेमस स्टार कपल में से एक हैं। हेमा मालिनी से शादी के लिए अपनी पहली शादी को दांव पर लगा दिया था। जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की तो दोनों की उम्र में तो अंतर था ही, अभिनेता का भरा पूरा परिवार था। प्रकाश कौर के साथ पहली शादी से धर्मेंद्र के चार बच्चे सनी, बाबी, अजीता और विजेता थे। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की और आज भी उनके साथ हैं। प्रकाश कौर से शादी के 26 साल बाद धर्मेंद्र ने हेमा से 1980 में शादी की थी। यही नहीं, कई रिपोर्टर्स में तो ये भी कहा गया है कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी के लिए प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया और मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए ताकि वह हेमा से शादी कर सके। हेमा मालिनी का मानना है कि धर्मेंद्र से उनकी शादी एक अपरंपरागत शादी थी जिनसे 16 स्टार से प्यार हो गया था, जबकि उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। हेमा मालिनी ने बार बार इस बारे में बात की है कि वह किस तरह से शेष प्रकाश कौर और उनके परिवार से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखती हैं, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हैं। हालांकि पिछले दिनों ही पहली बार धर्मेंद्र के दोनों परिवार, प्रकाश कौर के बच्चों और हेमा मालिनी के बच्चों ने साथ आकर सबको हैरान कर दिया है। ये पहली बार था इन्हें पब्लिकली साथ देखा गया है। लेकिन 1976 में स्टारडस्ट मैगजीन के साथ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने ज्वाइंट इंटरव्यू देकर सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि ये वो समय था जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। दोनों ने तब तक शादी नहीं की थी। इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप पर खुलकर चर्चा की थी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे दोनों के दिन शुरुआत कब झगड़ों के साथ होती है, क्योंकि धर्मेंद्र को उनका किसी दूसरे एक्टर के साथ पोज देना पसंद नहीं है। हेमा मालिनी ने कहा था, हम हर दिन की शुरुआत लड़ाई से करते हैं, हम हर समय लड़ते रहते हैं। हालांकि यही है जो हम आमतौर पर हार मान लेते हैं और फिर हम समझौता कर लेते हैं। सुबह सुबह जब वो मुझसे मिलने आते हैं तो पूछते हैं, आज तुम्हारा मुंह क्यों बना है और तुम सुबह सुबह मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? तो मैं कहती हूँ, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे चेहरे के साथ पैदा हुई हूँ, और हमारी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। बता दें, दोनों दिग्गज सितारे एक दूसरे के सामने रहते थे और जब भी धर्मेंद्र सुबह हेमा मालिनी से मिलने आते थे तो वह उनसे लड़ते थे। इसी इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा, मुझे कुछ चीजों से दिक्कत है, जैसे दूसरे हीरो के साथ तुम्हारा पोज करना। तुम्हें पता है, अभिनेता की बात पर रिएक्ट करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, मानो मैं आपत्ति नहीं कर सकती, कई बार मैंने इन्हें इस तरह के लोगों के साथ हर तरह की तस्वीरों में देखा है और उन्होंने मुझे जवाब में कहा, यह केवल तस्वीर के लिए था, इसमें कुछ भी सच नहीं है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।